हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल स्मार्ट ट्रेडर्स क्लब। बहुत दिनों से लोगों को कंप्लेन थी कि निफ्टी और बैंक निफ्टी बहुत बड़े मूव्स नहीं दे रहे हैं। आज मेरे ख्याल से बहुत लोग की कंप्लेन खत्म हो गई होगी, और जिस तरह से निफ्टी और बैंक निफ्टी ने मूव दिया है, किसी ने नहीं सोचा होगा कि इस तरह का फॉल देखने को मिलेगा। हम 18,200 के नीचे जाएंगे या बैंक निफ्टी के अंदर में हम 42,600 की बात करते हुए नजर आएंगे। ऐसा किसी ने भी आज एटलीस्ट 12 बजे तक तो नहीं सोचा था। 12 बजे के बाद में जो बैंक निफ्टी ने कल का लो तोड़ा है और उसके बाद में पैनिक सेल आया, इनफैक्ट पैनिक सेल की जगह पे मैं बोलूंगा जो मार्जिन कॉल हिट हुआ, उसकी वजह से फॉल बड़ा देखने को मिला आज के दिन में। क्वेश्चन सबसे बड़ा यही रहेगा कि ये जो फॉल आ गया है, क्या अब मार्केट का ट्रेंड रिवर्सल आ चुका है, या मार्केट जो अभी तक पॉजिटिव ट्रेंड में चल रहे थे ये रिवर्स हो चुके हैं, या कौन से लेवल्स पे नज़र रखें, क्या ट्रेडिंग कंटिन्यू करनी चाहिए, एक आध दो दिन का गैप लेना चाहिए, इन सब चीज़ों पे बड़ा क्वेश्चन होना चाहिए आपके दिमाग में भी। और इन सब चीज़ों पे हम बात करेंगे आज के इस एपिसोड के अंदर में। इंडिया विक्स पे नज़र डालिए, लगभग 13% अप है, यानी वोलाटिलिटी वेलकम बैक आते हुए नज़र आ रही है, और कैंडल में क्लियर कट देखते हुए नज़र आ रहा है वो चीज़। लेकिन कहाँ नज़र रखें, निफ्टी ट्रेंड रिवर्सल नहीं, अभी तक ट्रेंड रिवर्सल नहीं हुआ है। 18,200 के आसपास की क्लोजिंग है। जब तक ये 18,100 के नीचे काम करना, या मैं आपको एक रेंज दे दूं, जब तक ये 18,150 से लेके 18,100, ये बड़ा रेंज है, इसके नीचे काम करना नहीं चालू करता है, तब तक ट्रेंड रिवर्सल की मैं बात नहीं करूँगा। उसके बाद में भी सपोर्ट आपको फाइनल जो यहाँ पे नज़र आएगा, माफ करिएगा, जो आपको फाइनल सपोर्ट नज़र आएगा, दैट विल बी अराउंड 17,950। ये ट्रेंड रिवर्सल के लिए ये लेवल तोड़ना बहुत ज़रूरी है। अगर ये नहीं होता है तो ऊपर की तरफ जाते हुए आप फिर से दिख सकते हैं। क्या बहुत ज़्यादा एक्टिव होने के चांसेस हैं? मेरे ख्याल से नहीं, बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं है। हाँ, अब ये है कि मार्केट जो डेटा दे रहा है उस डेटा के हिसाब से बात कर रहे हैं। कल सडन कोई न्यूज़ आ जाए उसके हिसाब से हम ऊपर की तरफ चल जाएँ, 18,400 पहुँच जाए, तो बोला नहीं जा सकता है। लेकिन बहुत ज़्यादा फॉल अब नहीं होना चाहिए, उसके पीछे सबसे बड़ा जो रीज़न है वो अभी मैं आपको डिस्कस करूँगा, उसके बारे में बात करूँगा। पहले 15 मिनट्स के चार्ट पे आ जाए। कायदे से 15 मिनट्स का चार्ट आज डिस्कस नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं डिस्कस करना चाहिए? क्योंकि जिस तरह के लोअर लेवल्स तोड़े हैं बैंक निफ्टी ने, स्पेसिफिकली निफ्टी ने, तो चलिए कल के लो के आसपास की क्लोजिंग दी हुई है, लेकिन जिस तरह से लेवल्स टूटे हुए, ये हर कुछ मिनट के बाद में आपको इंपॉर्टेंट लेवल्स तोड़ते हुए नजर आए। ये देखिए 18,350 ये टूटा, कोई बात नहीं, टूटने के बाद में एक दूसरा सपोर्ट लगभग 18,270 के आसपास में, उसे भी तोड़ के नीचे की तरफ में गया हुआ है। सो अब कौन सा ऐसा लेवल है जहां पे निफ्टी अगर उसके ऊपर चला जाए तो हमें यह मानना चाहिए कि हम वापस पॉजिटिव टेरिटरी में आ गए। मेरे लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट रेंज है, जो सबसे इंपॉर्टेंट लेवल है, वो जस्ट लेट मी राइट इट, वो मैंने परसों भी डिस्कस किया हुआ था, आज भी मैं उसके बारे में बोल रहा हूं। मेरे लिए 18,320 से लेके 350 का रेंज। अगर निफ्टी इसके ऊपर क्लोज कर जाता है, क्लोजिंग चाहिए, इसके ऊपर क्लोज कर जाता है तो हम वापस पॉजिटिव टेरिटरी में जाते हुए नजर आएंगे। इन केस अगर निफ्टी 18,150 के रेंज से नीचे की तरफ में जाता है, इसके नीचे क्लोज करता है, तो हम निगेटिव टेरिटरी में आते हुए नजर आ सकते हैं विथ अ फाइनल सपोर्ट ऑफ 17,950। आज दिन के दौरान हमने एक बार अटेम्प्ट किया था वापस आने का, लेकिन ये पर्टिकुलर पॉइंट से रेजिस्टेंस लेके नीचे की तरफ आ चुके हैं। लेकिन ये सब चीज़ के चलते हुए कुछ चीज़ें जो अच्छी होती हुई नजर आई हैं, वो ये कि पुट कॉल रेशियो थोड़ा और नीचे आ गया और कंफर्टेबल हो गया। कितना है पुट कॉल रेशियो, जस्ट लेट मी शो यू दैट ऑल्सो। पुट कॉल रेशियो इज समवेयर क्लोज टू 0.70। अगर निफ्टी की बात करूं तो पुट कॉल रेशियो 0.70 के आसपास में आ गया, और कल एक्सपायरी है, एक्सपायरी के दिन में 0.70 बहुत ही लोअर लेवल पे है, यहां से रिकवरी के चांसेस पूरे बनते हैं। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं एटलीस्ट एक्सपायरी कल के दिन में 18,350 के ऊपर हो जाए, यानी एक क्लोजिंग में जो बोल रहा हूं इसके ऊपर मिल जाए, तो परसों से बढ़िया माहौल बनता हुआ नजर आ सकता है। दूसरी चीज, अगर एक्सपायरी इसके नीचे होती है, जो कि चांसेस कम है, लेकिन इसके नीचे होती है, तो थोड़ा सा इस लेवल पे नजर रखिएगा कि यहाँ पे मिलेगा तो एक बार लॉन्ग करने की कोशिश विद स्मॉल स्टॉप लॉस करना चाहिए। एक बार डेटा की बात कर लें, एक्चुअली आज डेटा की बात करना भी बहुत ज़्यादा अच्छी बात नहीं होगी, क्यों? क्योंकि भर भर के कॉल राइटिंग हुई है, बहुत जोरदार कॉल राइटिंग हुई है। 18,300 जो कल बहुत बढ़िया सपोर्ट का काम कर रहा था और मैं भी बात कर रहा था, आज कॉल में अच्छी वहाँ पे राइटिंग होते हुए नजर आई। 2.10 लाख ओपन इंटरेस्ट बढ़िया बिल्डअप हो गया है। 18,400 की बात कर लीजिए, 2.14 लाख,
18,500 कॉल ऑप्शन की बात कर लीजिए, 2.45 लाख बढ़िया ओपन इंटरेस्ट बिल्टअप है। 18,200 पुट ऑप्शंस की मैं बात कर रहा हूं, यह थोड़ा सा सपोर्ट का काम कर रहा है जहां पे हमने क्लोजिंग किया 1.15 लाख के आसपास में, और 18,300 जो कल बढ़िया सपोर्ट दिखा रहा था वहां पे सिर्फ और सिर्फ 62,000 लॉट के ओपन इंटरेस्ट बचे हुए हैं, 1.23 लाख का यहां पे आज अनवाइंडिंग हुआ है। सो इसका मतलब क्लियर है कि 18,300, 400, 500 ऊपर जाने में कमर टूटेगी, ये राइटर्स सब एग्रेसिव होके बैठे हुए हैं। 18,200 थोड़ा बहुत सपोर्ट है, उसके नीचे जाते हो तो ये रेंज पे नजर रखिएगा। 18,300 पे जो सपोर्ट बना हुआ था आज के दिन में निकल गया। अब इंटरेस्टिंग बात ये है कि कल मार्केट पूरी दुनिया की ख़राब थी और हमने अच्छा काम किया था, हमने नीचे के लेवल से अच्छी रिकवरी दी थी, आज नीचे के लेवल पे गए, लोगों ने सोचा शायद रिकवर होगा, रिकवरी नहीं मिली, लेकिन ग्लोबल मार्केट थोड़ा सा रिकवर होते हुए नजर आए तो कल इसका इम्पैक्ट देखने लायक रहेगा। अगर इसका इम्पैक्ट दिखा तो आपके लिए इम्पोर्टेंट क्या है, 18,300 के ऊपर जाते ही शॉर्ट कवरिंग, और 18,400 भी पॉसिबल है, फिर इसमें कोई शक नहीं बनता, एक बार पॉसिबिलिटी बनती है। ये मार्केट ने इस जिस तरह से आज मूव दिखाया हुआ है, कल उसका अगेंस्ट में अगर मूव दिखा दे तो ऐसा नहीं है कि पॉसिबल नहीं है, पॉसिबिलिटी बनती है। तो अगर कहीं आपने ऐसी कोई पोजीशन बना रखी है लॉन्ग टर्म, तो निराश होने की अभी भी ज़रूरत नहीं है, ये एक दिन का गंदा मूव आप इसे बोल सकते हैं। सो आई एम स्टिल पॉजिटिव अबाउट इट, लेट्स सी कल क्या होता है, समझने की कोशिश करेंगे। बैंक निफ्टी कैंडल जोरदार बना, बेहतरीन कैंडल है, जिन्होंने की पोजीशन पुट साइड में थी डेफिनेटली आज उनकी लॉटरी लगी हुई है, मेरी कॉल साइड में पोजीशन थी, डेफिनेटली एक लॉस हुआ है यहाँ पे, मैं डिस्कस करूंगा उसके बारे में। लेकिन जिन लेबल्स के आसपास में आप देख सकते हैं वहाँ पे सपोर्ट पहले भी ले चुका है, लो बनाया है, नीचे की तरफ गया है, उसमें कोई दो राय नहीं है। निफ्टी माफ करिए बैंक निफ्टी लगभग 42,363 के आसपास गया हुआ है, पर क्लोजिंग यहाँ से 300 पॉइंट के आसपास हुई है, 250 पॉइंट ऊपर हुई है, ये बढ़िया बात है। दूसरी चीज कौन से लेवल्स पे नजर रखें यहाँ पे भी, वो भी तो समझदारी की चीज़ होगी। सो अगर आप ये सोच रहे हैं कि अगर बैंक निफ्टी 43,000 के ऊपर चला जाता है तो एक बार बढ़िया पॉजिटिव मूवमेंट आएगा, सो आपकी सोच गलत है। बैंक निफ्टी 43,100 के ऊपर अगर क्लोज करता है तभी पॉजिटिव समझिएगा, जब तक इसके नीचे काम करेगा आपको सेल ऑन राइज मिलने वाला है, सेल ऑन राइज वाली स्ट्रेटजी यूज होगी जब तक हम 43,100 के नीचे हैं। अगर 43,100 के ऊपर जाके टिक जाते हैं सो मार्क माय वर्ड 45,000 भी जाएंगे, जल्दी ही जाएंगे, हो सकता है दिसंबर के माफ करें जनवरी के फर्स्ट वीक या सेकेंड वीक में देखने को मिल जाए आपको। अगर 43,100 के ऊपर की क्लोजिंग मुझे इस वीक में मिल जाती है, फ्राइडे तक अगर मिल जाती है, तो आपके लिए 45,000 भी पॉसिबिलिटी। बोल्ड कॉल है लेकिन है, रीज़न है उसके पीछे। पहले तो पुट कॉल रेशियो 0.50 के आसपास में है। दूसरी चीज क्या हो सकता है, पॉसिबिलिटी सोचिए, ग्लोबल मार्केट डाउन हो चुके हैं ऑलरेडी, नीचे की तरफ है, हम ही करेक्ट नहीं हुए थे तो हम आज के दिन में करेक्ट हो चुके हैं। अब FII की पोजीशन देखिए थोड़ी और कम हो गई है, FII ने बिकवाली की हुई है, इनफैक्ट अगर देखिए कैश मार्केट के अंदर में भी FII ने 1,119 करोड़ की बिकवाली की है। अगर मैं स्टॉक फ्यूचर के बारे में बात करूं तो वहां पे उन्होंने खरीदारी की है 201 करोड़ की, लेकिन इंडेक्स फ्यूचर के अंदर में उन्होंने फिर से बिकवाली की है लगभग 585 की। तो ये लगभग 45% के आसपास में लॉन्ग पोजिशन पे है। अब यहाँ से सेल करने का बहुत ज़्यादा चांसेस नहीं बनना चाहिए। सो ये जो लेबल्स हैं यहाँ से रिकवरी एक बार बनती है क्या, बनती है, लेकिन जब तक 43,100 के ऊपर क्लोज नहीं करता है तब तक पॉजिटिव होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको डबल श्योर होना है कि क्या हम 45,000 की तरफ जा रहे हैं तो 43,500 तक वेट करिए। मैंने WhatsApp पे क्लियर कट आज जो इंडिकेशन मॉर्निंग में मिल रहे थे वो इंडिकेशन मुझे समझ में आए, उसके बाद में एग्जैक्टली क्या हुआ मुझे भी समझ में नहीं आया हुआ। सो मैंने क्लियर कट मॉर्निंग में 9:29 को मैसेज डाला था कि 43,620 के ऊपर टिकता है तो ही गैप हमें ऊपर का मूव मिलेगा। हाई कितना बनाया आज बैंक निफ्टी ने, बैंक निफ्टी का हाई है लेट मी राइट इट, बैंक निफ्टी का हाई है लगभग 43,614 का। कितने बजे बनाया 614 का हाई, ये देख लीजिए यहीं पर कहीं आपको दिख जाना चाहिए, ये देखिए 11 बजे के आसपास में, माफ करिए पर्टिकुलर 6:15 ये पहला ही, इसके ऊपर गए ही नहीं हम, उसके बाद में हम गए नहीं, 9:30 के पहले का कैंडल ही है बेसिकली, 9:30 पे एक कैंडल क्लोज होता है, हम गए ही नहीं उसके ऊपर में।
सो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि प्रॉब्लम है। दूसरा चीज, एक प्रॉब्लम ये फॉल आने के पीछे जो दूसरा रीजन अगर आपको समझना है तो ये समझिए, कल के दिन में क्या हुआ था, रिकवरी हुई थी नीचे की तरफ से, लेकिन किसने खरीदारी की थी, रिटेल ने खरीदारी की थी, रिटेल ट्रेडर्स थे उन्होंने खरीदारी की हुई थी। आप कल का डेटा देखिए, कल के दिन में FIN सेल किया होता इंडेक्स फ्यूचर के अंदर में, कल 57% से 47% पे वो गए हैं इंडेक्स सेल करके, आज ऊपर मिला उन्होंने प्रॉफिट बुकिंग ऊपर की तरफ गए, तो डेफिनेटली थोड़ा मार्केट नीचे आना था, वापस उन्होंने इंडेक्स थोड़ा बहुत सेल किया हुआ है, अब जब नीचे की तरफ गए तो मार्जिन कॉल हिट हुआ है। दिस इज व्हाट आई फील, आज के दिन में मार्जिन कॉल हिट हुआ है। नोबडी हैड एक्सपेक्टेड कि बैंक निफ्टी विल गो बिलो 42,950, कल हमने इसके ऊपर सपोर्ट ले लिया था, जैसे ही इसके नीचे गए ये शॉर्ट फॉल आते हुए आपको नजर आया। देखिए 43,000 के नीचे पूरा आपको जो मूवमेंट देखने को मिला 700 पॉइंट का, वो 15 मिनट के अंदर मिला है, फिर रिकवरी की चांसेस और फिर थोड़ा सा हुआ है। सो स्पेशली आज मार्जिन कॉल हिट हुआ, मेरा भी मार्जिन कॉल हिट हुआ, इनफैक्ट मार्जिन कॉल हिट हुआ, इसकी वजह से भी लोगों को लॉस हुआ है आज के दिन में। सो क्या करना है, मैंने पहले भी बोला था, मैं अभी भी बोल रहा हूँ, एक दो दिन मैंने दो दिन पहले एक मैसेज डाला था मेरे टेलीग्राम ग्रुप के अंदर में कि एक दो दिन अवॉइड कर दिए, वेट और अवॉइड ट्रेडिंग फॉर December 19, आज 21 है, क्यों, कुछ ऐसे इंडिकेशन आ रहे थे मिसमैच के, ऐसा नहीं लग रहा था कि सब मिलके खरीद रहे हो तो समझ में आवे कि ठीक है स्ट्रेंथ दिख रही है, मार्केट बार बार नीचे जाने की कोशिश रिकवर कर रहा है, नीचे जाने की कोशिश रिकवर कर रहा है, आज नीचे जाने की कोशिश किया, वो दरवाजा जो खटखटाते ना फाइनली तोड़ के दरवाजा नीचे की तरफ घुस गया। अब मैं वेट करना चाहता हूँ कल के दिन का, रीजन बिंग कल अगर मुझे विशेप रिकवरी दिख जाती है, 43,100 के ऊपर की क्लोजिंग मिल जाती है तो मैं 45,000 की तरफ में नजर कर रहा हूँ फिर मैं। अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया आप ज्वाइन कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसमें हम करते कुछ नहीं, खाली एक ही चीज़ करते हैं, इनकेस अगर कोई ट्रेड शेयर करते तो ट्रेड वो भी शेयर करते, जैसे 43,500 का कॉल ऑप्शन ये हमने स्क्वायर ऑफ कर दिया, इसमें प्रॉफिट बुक कर लिया, नहीं तो ये 24 रुपीज़ में काम कर रहा है आज के दिन में। हाँ, दूसरा ट्रेड एक इनिशिएट किया वो भी मैंने शेयर किया, बजट ट्रेड एक मैंने लिया हुआ है, 44,000 का कॉल ऑप्शन लिया है, 1116 में मैंने लिया था, बट मैंने इसे हेज करके, हेज नहीं किया बेसिकली, मैंने एवरेज करके और नीचे की तरफ लाया, क्यों, रीज़न आपके पीछे, मैं 45,000 बजट के पहले एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मार्केट वहाँ तक जाएगा, इसके वजह से मैं लिया। मैंने सारे बैंकों की हालत ख़राब है, कोटक महिंद्रा बैंक नीचे की तरफ आ चुका है, आप ICICI बैंक पे नज़र डालिए, एक्सिस बैंक नज़र डालिए, HDFC बैंक नज़र डालिए, आप SBI पे नज़र डालिए, सारे बैंक आज नीचे की तरफ आते हुए नज़र आए हुए हैं, SBI इनफैक्ट अभी भी लेने लायक लग रहा है फिलहाल। सो बैंकों का स्टॉक के बारे में डिस्कस करके कुछ फ़ायदा नहीं, मेरा पोजीशन आपको दिखा देता हूँ, पोजीशन में मेरा लॉस हुआ है आज के दिन में 43,000 के आसपास में, ये पिछला एक दो हफ्ता रियल में बड़ा गंदा जा रहा है। हाँ, बैंक निफ्टी का 43,500 का मैंने कॉल ऑप्शन जो ले रखा था वहाँ पे लगभग 6,000 का प्रॉफिट बुक हुआ, लेकिन जो दूसरा ट्रेड मैंने इनिशिएट किया था 43,800 का पुट ऑप्शन, मैंने लगभग ये 43,800 सेल किया था, 43,500 मैंने बाय किया था, यहाँ पे लगभग मुझे 12,000, तो इन टोटल बैंक निफ्टी के अंदर में मुझे लगभग 7,000 के आसपास का लॉस हुआ है। निफ्टी में एक नया ट्रेड इनिशिएट किया था 450 पुट ऑप्शन, मुझे लगा था अच्छा जाना चाहिए मार्केट आज के दिन में, वहाँ पे थोड़ा लॉस हो रहा है, और दूसरा 600 का पुट ऑप्शन 350 पे हेजिंग किया वहाँ पे मुझे लॉस हो रहा है। कल के दिन में अगर मार्केट 18,423 के ऊपर क्लोज करता है तो ही ये ब्रेक इवन पे आएगा, नहीं तो यहाँ पे लॉस होने वाला है। 44,000 का कॉल ऑप्शन मेरे पास में, एवरेज 912 के आसपास में, 75 सिर्फ 3 लॉट लिए हुए क्योंकि लंबा है, फरवरी का लिए हुए, फरवरी 2023 1 फरवरी को बजट आता है, सो जो भी एक्शन होना है इसी वीक में हो जाएगा। मैंने तो 23 फरवरी अलग क्यों लिया, रीज़न बड़ा सिंपल था, मुझे टाइम का थोड़ा सा टाइम डीके से तो अब बचना था, इसके लिए मैंने ये लिया हुआ है। सो दिस इज ऑल अबाउट निफ्टी एंड बैंक निफ्टी, होप आपको वीडियो पसंद आया रहेगा, अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ में शेयर करिएगा, इन केस इफ यू हैव एनी क्वेश्चन और अगर पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। आई होप आपने वीडियो पूरा देखा रहेगा, वीडियो को पसंद भी किया रहेगा, चैनल भी सब्सक्राइब कर लिया होगा, साथ में आपने टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लिया रहेगा। होप आने वाला वीक आने वाला एक्सपायरी के लिए जोरदार हो और खूब सारा पैसा कमाए। गुड नाइट।